शिवा, तुम आजमगढ़ पर मेरा ही राज चलता है। राज शेर करते हैं, कुत्ते नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। शिवा के कानों को ना सुनने की आदत नहीं, वो हर काम दिमाग से करता है। शिवा नहीं, राज करना कमजोरों का काम नहीं। मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, ऊपर जाकर भगवान से मांगते रहना। नहीं शिवा, नहीं। तुम्हें ऊपर मैं नहीं भेजूंगा, तुम आत्महत्या करोगे ताकि दुनिया को ये पता चले कि तुम कायर हो और मैं वीर। इसका बेटा आपसे बदला ले सकता है? आपको संभल के रहना चाहिए भाई। अपने धंधे में डर के लिए कोई जगह नहीं। शिवा के गिरेबान में कोई हाथ डाले, इतनी किसी की औकात नहीं। साथ साथ सपोले को भी मार देना चाहिए था। 13 दिन पूरे हुए। चला आजा। उसकी बीवी को जिंदा मत छोड़ना। कल वो लदन लाने के लिए तेरे को
अरे तू आराम से बैठ के क्यों नहीं खाता? माँ ज्यादा बैठा तो आपकी तरह बन जाऊंगा। मतलब आपकी तरह सुंदर हो जाऊंगा। एक्चुअली कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ ना। गर्ल्स कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा होगा ना। है अपने काम से मतलब रख समझे। पापा मदर टेरेसा चैरिटी हॉस्पिटल गरीबों के इलाज के लिए उनकी मदद के लिए हमने शुरू किया था, लेकिन लगता है उसे मजबूरन बंद करना पड़ेगा। रायपुर का एक गुंडा जो मुन्ना के नाम से जाना जाता है वो सालों तक जेल में था। एक दिन अचानक उसके आदमियों ने हमारे हॉस्पिटल पर कब्जा कर लिया। चल चल खाली करा। पेशेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकते। चले जाओ यहाँ से। निकल यहाँ से। उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। वो हॉस्पिटल में ऐसी हरकतें कर रहे हैं, सोचना तो दूर, मैं बोल भी नहीं सकती। पुलिस को नहीं बताया? कोशिश तो की। ने कुछ नहीं किया तो हॉस्पिटल बर्बाद हो जाएगा। पापा, कुमार सुन, इसी वक्त मदर टेरेसा हॉस्पिटल में अपने आदमी भेज। आदमियों को उसने पीट दिया, अब क्या अपने आदमी भेजूं वहां? हेलो, क्या भाई? सुना है तो आजमगढ़ का सबसे बड़ा डॉन है। अब तक था, लेकिन अब तेरा बाप यहाँ आ गया। तेरे लिए तो बेहतर है कि तू अपने बीवी के पल्लू में छुप जा। मुन्ना, रायपुर का मुन्ना, अपन का नाम सुनते ही लोगों के पैन गीली हो जाती है। पुलिस को भगाया, तेरे आदमियों के धज्जियां उड़ाई। तुझे तो शर्म से चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। हेलो हेलो हेलो। अरे कहीं तू आजमगढ़ से भाग तो नहीं गया? तेरे पैर पड़ ले, माफ कर दूंगा। हेलो 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 शेर की खाल ओढ़ने से भेड़िया शेर नहीं हो जाता। तेरे पापों की सजा देने के लिए अगली शेर आ चुका है। मेरा शक्ति शक्ति है भाई, ये यहाँ बहुत फेमस है, हीरो है यहाँ का। कौन है रे तू? हीरो? कुत्तों का झुंड कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो शेर का शिकार कभी नहीं कर सकता। और ये शेर मारता कम है और घसीटता ज्यादा। Oh!
हॉस्पिटल में आने के बाद लोग या तो ठीक हो जाते हैं या फिर सीधे मुर्दा घर जाते हैं। तू फैसला कर, तू कहाँ जाना चाहता है? बेटा, तुम्हारे जैसा एक भी अच्छा आदमी आ जाए तो सारे अपराधी खत्म हो जाए। इसकी तो सफेद बाल की दुकान इधर। क्या नया आया है क्या? क्या बोला था तूने? तुम एक अच्छे आदमी हो। तूने मुझे क्या समाज सुधारक समझा है? जुर्म तो होंगे और होने भी चाहिए, पर उसे करने का लाइसेंस सिर्फ अपुन के पास है। लाख टके की बात है बेटा। खाना बहुत बढ़िया बना है। अरे मुझे क्यों दे रही हो? शक्ति को दो ना। अरे ये उसे बहुत पसंद है। माँ बस खा ले, खा ले। अरे इतना खाऊंगा तो पेट फट जाएगा मेरा। अरे खा ले बेटा। माँ थोड़ा बच गया हो तो मुझे भी दे दो। मेरी थाली में से ले ले। छोटे बच्चे की तरह खाता है। एयरपोर्ट से सीधा मालिक को मिले आया हूँ, बाद में बात करता हूँ। ये पकड़ो। कैसे हो हरी? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हैं। बस ठीक हूँ। क्या हाल है हरी? बहुत बढ़िया। भाई वहाँ हैं। नमस्ते। ओ मिनिस्टर साहब, आप ही की तो मेहरबानी है। जाओ खाना खा लो। जी। हे शक्ति, बिरयानी बनी है। मिनिस्टर साहब, कुर्ता पजामा क्या धोने के लिए डाला है? अरे अपने लिए यही ठीक है। पैजामे का नाड़ा इधर उधर हुआ ना तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा। अरे माँ जी नमस्ते। मैं तुम्हें क्या कहूँ, हरी या मिनिस्टर हरी? आपको जो भी अच्छा लगे। माँ जी जल्दी खाना परोसिए ना, बहुत भूख लगी है। शक्ति, मेरी शक्ति। मैंने ये यूनिफॉर्म सिर्फ उसी के लिए पहनी है। सुना यूनिफॉर्म देख के उसकी गाड़ी प्लेटफॉर्म से छूट जाती है। शक्ति, शक्ति कौन है बे? तेरे बचपन का दोस्त, योर पाल गोपाल। आपका दोस्त गोपाल आया है? गोपाल। थैंक यू भगवान, थैंक यू। कसम बनाने वाले की जो आज तेरे दोस्त को पुलिस वाला बना दिया, सर पर टोपी और हाथ में डंडा थमा दिया। हाउज आई लुक्स? मैं तो चला लगता हूँ ना एकदम झकास। जैसे अमिताभ पुलिस की यूनिफॉर्म में दिखता था, अजय सलमान और अक्षय खाकी में चमके थे, वैसे ही तेरा दोस्त चमक रहा है। तू गोपाल को देखकर लाल हो रहा है। इसका चीरहरण पक्का है। तुझे मुझ पर गर्व हो रहा है ना? बता ये खाकी मुझ पर कैसा लग रहा है? रिटर्न्स ऑफ दबंग, शुरू होगी जंग। मैं इस शहर के एक भी बदमाश को चैन से सोने नहीं दूंगा। मेरे सामने पुलिस की वर्दी कैसे पहन के आया? खाकी यूनिफॉर्म के साथ साथ इसे ऐसे फाड़ा है कि सेलो टेप से भी नहीं चिपकेगा। बाल बाल बचा। अच्छा हुआ खाकी रंग की अंडरवेयर नहीं पहनी है, वरना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। एक पुलिस वाले की क्या हालत कर दी है। मैं यहाँ सेफ हूँ, यहाँ मुझे एक खरोश तक नहीं आ सकती। वो तूने किया था।
साले तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तू मेरे सामने पुलिस की वर्दी पहन के आ गया? कल रात मेरे सपने में रागिनी आई थी, सनी डे में मेरे साथ एमएमएस एमएमएस खेल रही थी। ए रुक रुक रुक। चिका ढिक चिका ढिक चिका। क्या रे ट्रिपल सी था? अपने बाप का रोड समझाए क्या? चलो उतरो, फाइन भरना पड़ेगा। खाकी वर्दी दिख गई, अब यहाँ जरूर भूचाल आएगा। मैडम कुछ? अरे कुछ नहीं सुनना हमें, 500 तो देना पड़ेगा। निकालो। क्या ढूंढ रहे हो? पत्थर चाहिए? मैं देता हूँ ना। 100 की जगह 200। तो क्या है? बस इतने ही मिले। सिलेक्ट वन। तुम कुछ भी बोलो, हम नहीं मानने वाले। है गुलशन, भाभी के लिए परफेक्ट सिलेक्शन। बेशरम रिश्वत ले रही हो खुलेआम, शर्म नहीं आती? तुम में और एक भिखारी में कोई फर्क है या नहीं? शाबाश, तुमने ही पुलिस का नाम खराब कर रखा है। अबे ये मेरी भाभी बनने के लायक नहीं, तेरी भाभी बनने के लायक है। तेरे लिए कुर्बानी दे दूंगा। मिस्टेक हो तो वार्निंग दे दो, माफ करके उसे जाने दो। इस तरह तंग क्यों करना? पतली कमर, पाली उम्र, तिरछी नजर, वाह क्या बात है, मैं तो कवि हो गया, कवि। आज कैमरा काम आ गया, भाभी को फोकस करके खुद आउट ऑफ फोकस हो गया। लेफ्ट वाले को भी थोड़ा फोकस में लेना, मेरा भी भला हो जाए। ध्यान दे। कैसी लगी? सुपर। हाँ, मुझे भी अच्छी लगी। मेरी और मेरी माँ की चॉइस सेम है। रंग कितना सुंदर। हाँ। बहुत बढ़िया स्कूटर है। आप किसे देख रही थी? स्कूटर को। आप बिना क्या आप ये नहीं चाहती कि कोई इस घर में आकर के चिराग जलाए? जला ले। देख, देख। अरे, मेरी फीलिंग समझा? नहीं समझा? कैसे समझाऊं? बाहर से एकदम गर्म और अंदर से बिल्कुल ठंडा। अब भी नहीं समझा क्या? इसे कैसे समझाऊं? यस। ये है ठंडा। ये क्या कर रहा है? और कॉफी दे, कॉफी दे। और ये कर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है, बिल्कुल यही लगता है। अब जाकर के तू मेरी फीलिंग समझेगा। चलता हूँ। ये लड़की शोला भी है और शबनम भी। हाँ? वाह, तुम्हें ये सुंदर लगी? पहले तो मेरी तारीफ करते थे। करता था, लेकिन तब तक मैं इससे मिला नहीं था ना। झूठ कहा था तुमने। पापा! ये तो भड़क गई। देखिए, देखिए ना पापा, देखिए तो जरा। लोगों को पुलिस वाले पीटते हैं, पर इस लड़की ने पुलिस वाले को पीट दिया। क्या धुलाई की है। कान खोल कर सुन, ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ दे। आप छोड़ो, मैं पकड़ता हूँ। आपकी उम्र जो हो गई है। मेरी उम्र हो गई? अच्छा। अपने धंधे में रोमांस के लिए कोई जगह नहीं है। ए, विजय, मेरी फीलिंग समझाया, फिर से समझाऊं? भाई, माइनिंग ऑफिसर ने हमारा काम ठप कर दिया है। आप लोग खुद को समझते क्या है? सरकार नाम की कोई चीज है या नहीं? आपको कहां तक परमिशन दी थी और यह कहां तक खो डाला? होशियारी करते हो? आपके नाम पर चौकड़ी लगाकर अपने सीनियर तक रिपोर्ट दूंगा, फिर देखना क्या होता है। भाई, लगता है इसे पैसे चाहिए। मैं बात करूं? तुमको जो चाहिए मिल जाएगा। कुछ नहीं चाहिए हमें। इतना हिचकिचाते नहीं है। हाथ मिला लो। भाई, ऑफिसर के साथ मामला सेट हो गया है। बहुत नखरे दिखा रहा था, पर मैंने उसे शीशे में उतार लिया। शीशे में उतारा?
तो भी तूने? हाँ भाई। भाई राव तो अपना पुराना आदमी। दुश्मनों पर एक बार भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन गद्दारों पर कभी भी नहीं। अरे तेरे चेहरे पे क्यों बारह बज रहे हैं? तुझे भी मार दूंगा अगर तूने गद्दारी की तो। तेरा भी यही हाल होगा। चलो कहाँ ले जा रहे हो मुझे? भाभी से मिला रहे और कहाँ? चलो चलो भी। कहीं वो स्कूटर वाली तो नहीं? हाँ वही है। उसके स्कूटर के नंबर से उसका पता ढूंढ निकाला है। चलो ले। अरे सुन तो सही, अभी अभी तो नजरें मिली हैं, उसके बाद नजरें टकराएंगी और फिर आंखों ही आंखों में प्यार हो जाएगा। तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं जा रहा हूं। अरे अरे रुक तो सही, मेरी बात तो समझ। कितने नखरे। चलो आज ही बारात लेके जाएंगे, मरवाओगे तुम लोग। चलो गुंडे सिर्फ हड्डियां तोड़ते हैं, दिल नहीं जोड़ते। अरे छोड़, तो पोटी देखने जा या फिर पोटी करने जा, मुझे क्यों लेके जा रहा है? I am police. वैसे एक बात बता, इस लड़की में खास क्या है? What is special है? तू नहीं समझेगा। भाई उसकी कोई छोटी बहन है क्या? मैं आया। यहाँ से मैं संभालूंगा, मेरी पर्सनालिटी देखकर वहाँ कह देंगे। क्या झांक रहा है? चोरी करना है क्या? पीछे पीछे यहीं खड़े रहो। क्या आप ही हैं प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर जिसने अपनी बेटी को प्रोड्यूस किया है? को प्रोड्यूसर कहा है? को प्रोड्यूसर? अरे अंकल आपकी पत्नी। किस लिए? शिवा भाई को पहचानते हो क्या? वो नहीं जिसे देख के निकल जाती है, ये शिवा भाई का बेटा है शक्ति। आपकी बेटी जूलियट को देखकर मेरा भाई मजनू हो गया है। आपकी बेटी के हाथ के साथ बॉडी चाहिए। ओ मीनाक्षी। अरे बेटी चाहिए मम्मी नहीं। शांति ऑफिस गई है। शांति है? शांति। लगता है इसे मिर्गी का दौरा पड़ा। प्याज लाओ। शांति, व्हाट अ मॉडर्न नेम। शक्ति और शांति की शानदार जोड़ी। शांति का नाम लेके तू इतना अशांत क्यों हो रहा है? मेरी काम वाली बाई का नाम भी शांति है। चल अच्छा है तो उनका रिंगटोन नहीं रखा है। अरे आप खड़े क्यों हैं? बेटी को फोन करके बुलाइए ना। वैसे एक बात कहूं, आपकी बेटी की आंखें क्या चल रहा है? हिरनी जैसी प्यारी है। इन्हीं की बेटी है, इन्हें बता रहा है या फिर इन्हें डराने की कोशिश कर रहा है? उसके पीले स्कूटर की मीठी मीठी आवाज आ गई। आ गई। क्या प्यार है ये, आपकी बेटी के स्कूटर को भी अच्छे से पहचानता है। वो नाती तो है ना, कल तो उसकी खुशबू से पहचानेगा तो प्रॉब्लम ना हो जाए। तुमने तो मेरी लाइफ बना दी। अरे तू वहाँ क्या कर रही है? चॉइस पे तो हम सब शॉक हो गए भाई, पलट कर देखो तो। सुपर सिलेक्शन भाई, पलटो तो जरा। मुझे शर्म आ रही है, ऐसा एटम बॉम्ब सुना है कि हम सबके होश उड़ा दिए। जिसके चक्कर में पड़ा है वो मामूली शांति नहीं है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की क्रांति है। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। बेटा गोपाल ये नोच लेगी तेरे बाल। कौन है ये पापा? बताता हूँ बेटी, वो लड़का तुमसे प्यार करता है इसलिए तुम्हारा हाथ मांगने आया है। क्या कहा? रिश्ता आया है,
जल्दी अपने कपड़े बदलो और चाय लेकर वहाँ आओ। क्या पापा, अंदर चल के अपने कपड़े चेंज करो और मेहमानों के लिए कॉफी लेकर। वो इंतजार कर रहे हैं। आप उनकी भाभी पुलिस वाली निकली। बेटा, घर का चिराग कौन जलाएगा? नो चिराग, ओनली आग। अरे सुन, शांति को देखने जो लोग आए थे ना, वो बिना बताए खिसक गए। पता नहीं उस बेचारे में क्या दोष है, क्या कमी है उसमें। दोष? तेरे पास मल्लिका का नंबर है क्या? दे ना मुझे, मुझे उसे भी ये बात बतानी। बाहर से गर्म, अंदर से ठंडा, बड़ा पुलिस का डंडा। अरे शांति, कल तुम्हें कुछ लोग देखने आए थे, सुना है वो डर के भाग गए। तुमने उन पर भी डंडा चला दिया क्या? ये बात किसी को बताना मत, राजी रहने देना। तुम्हें अपने चेहरे को सुधारने की जरूरत है, थोड़ा पाउडर लाली लगाया करो। क्या मैंने कहा था? क्या मैंने बुलाया था? मैंने तुमसे अपने लिए लड़का ढूंढने के लिए कहा था, प्यार में तुम्हारा दोस्त पड़ा और फिर ऐसे खिसका जैसे कोई चुड़ैल देख लियो। सब लोग कह रहे हैं कि मुझ में दोष है कि वो चले गए। क्या दोष है मुझ में? क्या दोष है मुझ में? इंसान कितना भी ताकतवर बन जाए, कानून के सामने कुछ भी नहीं। जेल से तू 5 मिनट में छूट जाता, इसलिए अपने पास रखा ताकि तुझे बेबस देख सकूं। एक पुलिस क्रिमिनल की तरह सोच सकता है, पर एक क्रिमिनल पुलिस की तरह कभी नहीं सोच सकता। मुझे गुनहगारों से नफरत है
और गुनाह करने में तूने सारी हदें पार कर दी हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं जहां रहता हूं गुनहगारों का सफाया कर देता हूं, क्योंकि मुझे किसी का डर नहीं। मुझे इस बात का विश्वास है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी जगह कोई और आएगा जो मेरा अधूरा काम पूरा कर देगा। घबराहट हो रही है क्या? जब भी तू इसे देखेगा तुझे अरेस्ट होने का डर सताएगा, इसलिए बेहतर होगा सुधर जा। तुझे मेरी ताकत का अंदाजा है? चाहूं तो तुझे मैं इसी वक्त इसी जगह पर ठोक सकता हूं, मगर मैं तुझे एक मौका देना चाहता हूं। अगर नहीं सुधरा तो अगली बार यहीं तेरी लाश मिलेगी। निकाल। तूने मेरे पापा को छुआ था इसलिए सिर्फ एक हाथ काटा कमिश्नर। जेल ले गया होता तो तेरी जान ले लेता। अगर फिर से उनकी तरफ आंख उठाकर देखा तो तेरी पोटी कुत्तों का काट काट कर खिला दूंगा। हाथ काटने से क्या होगा, मार देना चाहिए था। ऐसे कितनों को मारोगे? हमारा डर, शिवा का डर खत्म हो रहा है। उसने कहा था हमने उसे मारा मतलब हम डर गए। वो भगवान शिव के गले में लिपटे नाग जैसा है। एक को मारेंगे तो उसकी जगह दूसरा ले लेगा। दिक्कत सांप नहीं, वो जगह है। हमें वो जगह, वो पोजीशन चाहिए। क्या मतलब? चोर पुलिस की आंख मिचौली में, चोर भी हमारा होना चाहिए और पुलिस वाला भी। लेकिन कैसे? पुलिस क्रिमिनल की तरह सोचने लगे तो क्या होगा, ये उसने हमें सिखाया। मैं उसे सिखाऊंगा कि क्रिमिनल पुलिस बन जाए तो क्या होगा। हमें अपने आदमी को पुलिस वाला बनाना होगा, अपने खास आदमी को। ऐसा भरोसेमंद कौन हो सकता है? एक है। कौन है? शिवा जिस्म है तो वो रूह, शिवा खून तो वो रफ्तार। एक दूसरे के बिना हम अधूरे हैं। वो मेरी परछाई है, शक्ति। शक्ति को जब पता चला कि उसका दोस्त पुलिस वाला है तो चीर हरण कर दिया। हाँ। लड़की पुलिस वाली ये पता चला तो उसने रिजेक्ट कर दिया। तुम्हारे पापा सुबह सुबह कॉमेडी क्यों कर रहे हैं? मेरे इशारे वो समझा नहीं। कुछ देर में समझ जाएगा। आपने बुलाया? शक्ति तू बन जा। जैसा आपको।
तो इस काम के लिए सही है, बन जा। ठीक है। माँ भैया तो गए। पापा बन तो जाऊंगा, और बनना क्या है? चुप कर। पुलिस वाला चलेगा। क्या कहा आपने? पुलिस वाला? पापा आपको मेरी जान लेनी ले लीजिए, लेकिन मैं पुलिस वाला नहीं बनूंगा। हाँ मेरे साथ क्या हुआ देखा ना, अब वो ऐसा नहीं करेगा। आज पुलिस डिपार्टमेंट हमारे सर पर बैठा है, हमें अगर उनके सर पर बैठना है तो ये करना पड़ेगा। उससे क्या होगा? मैंने फैसला कर लिया है, तू पुलिस वाला ही बनेगा। मुझे नहीं बनना है। बनेगा, बना कर रहा। मैं नहीं बनूंगा। बनेगा, बोला ना नहीं बनूंगा। क्या साहब जी, आप पुलिस वाले बन जाइए ना, 20 साल से जोकर बना हूँ, फिर से वॉचमैन बनना चाहता हूँ। भाग यहाँ से, मेरे बाल में तो खुश हो जाते साहब जी। कर रहा था या हमारे साथ कबड्डी खेल रहा था? चुपचाप मान जा। एक साइन कर देने से पुलिस वाला थोड़े बन जाऊंगा मैं। भैया मान जाओ ना। बढ़िया है। यहाँ क्या हो रहा है? हाँ ये ग्रुप एग्जाम हो रहा है, इसलिए ग्रुप के साथ बैठा। तो क्या क्वार्टरली एग्जाम में क्वार्टर लेके बैठोगे और हाफ ईयरली में हाफ लेके बैठोगे? ए, इसके अलावा तुम सब लोग चलो बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो यहाँ से। जाइए ना। ऐसा पेपर लिखा है कि किसी का बाप भी पास नहीं कर पाएगा। लगता है रिजल्ट आ गया, पर कुछ भी हो जाए मैं पास नहीं होने वाला। जबरदस्ती लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। बन गया क्या? तू बन गया? पर कैसे? शक्ति हमारी भी थोड़ी पहचान है भाई, बना दिया तुम्हें पुलिस वाला। शिवा आज तक नाकामयाब नहीं हुआ है। ये लड़का भी ना। शक्ति पुलिस में भर्ती नहीं होना है तो मत हो। मेरे पुलिस वाले बनने से पापा को खुशी मिलती है तो यही सही। लेकिन खाकी रंग से तो तुझे बचपन से नफरत है। पापा को मैंने गुस्से में तो कई बार देखा है, और उनकी आंखों में नमी सिर्फ एक ही बार देखी। उनकी आंखों में नमी मैं फिर से नहीं देखना चाहता मां। अगर वो यही चाहते हैं तो यही सही। पुलिस।
क्या शक्ति? मैंने तो सोचा था मेरा बेटा पुलिस यूनिफॉर्म में आएगा, तू तो ऐसे ही आ गया। बात पुलिस वाला बनने की हुई थी, अब आप ये यूनिफॉर्म को बीच में मत लाइए। तो पुलिस वाला बन गया, इसी से मैं खुश हूँ, अब देखता जा। सुनो शक्ति, तुम्हारी पोस्टिंग यही हुई है, अब पूरा डिपार्टमेंट तुम्हारे इशारे पर नाचेगा। अभी जिंदा हूं मैं, जा। हार लाओ। सर तुम हार पहनाओगी तो पहन लूंगा मैं। अब पहना भी दे। हाँ मचल रहा है हीरो का मन। वाह ब्रिलियंट कैच। उस दिन तुमने मुझे पकड़ा, आज मैंने तुम्हें पकड़ लिया, हिसाब बराबर हो गया। कैसा लग रहा है हाँ? About turn. अब मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। अब कौन सा पॉइंट? Listen to me carefully, be serious. पूरे आजमगढ़ शहर में पुलिस वालों के पेट उनकी अकल से ज्यादा बड़े हैं। रिश्वत खाओगे तो यही होगा, रिश्वत खोर कहीं के। 25 किलोमीटर में फैले शहर की हिफाजत के लिए एक कमिश्नर, 7 ACP और एक ACP के नीचे 56 इंस्पेक्टर्स, 73 सब इंस्पेक्टर्स और 562 कांस्टेबल्स हैं। लेकिन फिर भी इतना अपराध क्यों है? कत्ल, लूटमार, टोटल 1412 केसेस हैं। चोरी के कुछ 626 केस हैं और 15 गैंग्स यहां काम करती हैं। सोच सकते हो 15 गैंग्स का क्या मतलब है? और उन 15 गैंग्स में 416 बदमाश हैं। और ये मामूली बदमाश नहीं, बहुत खूंखार है। अब तक जो तुमने किया भूल जाओ, लेकिन आज से एक नए प्लान पर अमल करेंगे। यहां हो रहे कत्ल, चोरी, गुंडागर्दी, बदमाशी और कई गैर कानूनी धंधों पर इमीडिएट एक्शन लेंगे सर। सर फोड़ दूंगा तेरा। कितनी बार कहा इमोशंस पे कंट्रोल किया करो। जिसने भी एक्शन लिया वो गया। ना तुम कोई एक्शन लोगे और ना ही कोई रिएक्शन दोगे, उसकी वजह है तुम उनसे रिश्वत लोगे और खुश रहोगे। Got it? हम रिश्वत लेंगे? ऑफिसर है। साला, दबंग जैसे डायलॉग तुम्हारे, लेकिन मवाली तो मवाली ही रहेगा ना। सर। Yes? सर, अंदर जाकर चार्ज ले लेंगे। तुमने बहुतों को चार्ज लेते देखा होगा, पर मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है, तुम्हें अभी दिखाता हूँ। बाबू मुझे आए, ये लोग मुझे चार्ज लेने के लिए कह रहे हैं, बोलो तो ले लूं। सबकी बैंड बजा डालो। सबकी पुंगी बजाऊंगा। वो मेरे पुरखों की जायदाद है। हम वहां शॉपिंग मॉल बना सकते हैं बाबा। ऐसा मत कीजिए, उसे मैं नहीं बेचना चाहता। वो जगह खाली कराओ। ठीक है बाबा, अपने साथ पुलिस ले जाना। Thank you.
नहीं पी पाऊंगा माँ, बहुत दर्द हो रहा है माँ। अंकल, मेरी माँ कुछ बोल नहीं रही है, प्लीज कुछ करो। सर, जब तक इसकी माँ को हॉस्पिटल लाते मर चुकी थी। अंकल, मेरी मम्मी मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, क्या हुआ है उन्हें? मम्मी के पेट में मेरा छोटा भाई है, लगता है अब वो मेरे साथ नहीं खेलेगा। अंकल, मैं कह रहा ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसका यार। आवाज तो कानों में गूंजती रहेगी। क्या तुम्हें लगा ये किस्सा खत्म हुआ? ये तो शुरुआत है उन बच्चों के दर्द का जो अनाथ हो गए, जिनके बच्चे मर गए उन माता पिताओं के आंसुओं का। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि तुम पुलिस में शामिल हो गए हो, तुम ही ने उन मासूमों की हत्या की है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, उन बेकसूरों के खून। एक कंप्लेन लिखवानी है सर। बताइए। सर, मेरे पति प्रेस में एक रिपोर्टर का काम करते हैं सर, उन्होंने शिवा के खिलाफ एक खबर छापी थी, इसीलिए शिवा के लोगों ने बीच सड़क पे बड़ी बेरहमी से मेरी आंखों के सामने उन्हें मार डाला, मेरा सुहाग उजाड़ दिया उन लोगों ने, उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए सर। मैडम, यहाँ ये सब बातें मत करो, आप चली जाओ। मुझे हर कीमत पर इंसाफ चाहिए, उन लोगों का चेहरा मुझे अच्छे से याद है। कहीं वो हम तो नहीं? सर, 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 यही लोग है वो, यही है सर। भाई, हे बुढ़ो, चल निकल 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 यहाँ से। सर, इन्होंने मेरे पति को मार डाला सर, अब ये मेरी जान लेना चाहते हैं, इन्हें रोकिए सर। शक्ति, ये पागल इतना भी नहीं जानती कि हमारे इस कांड में तू भी शामिल है।
शक्ति, आज इस घर में पुलिस वाला आया है। गलती सुधार। तूने जो एफआईआर दर्ज किए मेरे आदमियों पर उसे वापस ले। मेरे आदमियों को जेल से बाहर निकाल। उसके लिए तुझे जो करना पड़े कर। उन्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, जा तू, बाद में बात करते हैं। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। गुस्से में है? बहुत ज्यादा। अपने आप से भी हूं और तुम सबसे भी। तुझे इस वर्दी में देखकर ही मैं समझ गया था कि तू मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज है। बात क्या है? बस बहुत हुआ, बुरे काम छोड़ दो, गलत है। अचानक क्या हो गया? शुरुआत से मेरी नजर में यह सब सही था, लेकिन आज मुझे यह सब गलत लगता है। मैं चाहता हूं कि आप बुरे काम छोड़ दें। शक्ति, जो भी कुछ हो रहा है बरसों से चला आ रहा है, क्या वो सब गलत है? लोगों को धमकाना कहां से सही हो सकता है? हमें अपने काम करने के तरीके को बदलना होगा। इसी काम से खाना आता है इस घर में? पहले आता था, लेकिन आज के बाद नहीं। मुंह बंद रख, जितना कहा उतना कर। आपने मुझे पुलिस फोर्स में भेजा, अब मेरी एक राय मानो, सुधर जाओ। शक्ति, शिवा जो सुनना चाहता है तू सिर्फ वही बोलेगा और कुछ नहीं। तू जो बोलेगा वो नहीं सुनूंगा। लेकिन क्यों नहीं सुनना चाहिए? सुनना पड़ेगा। शक्ति, तेरी इतनी हिम्मत? मैं अपने पापा से बात कर रहा हूं। शक्ति, तूने लड़ने का मन बना लिया है? सुधारने का मन बना लिया है। किसे सुधारने का? आपको सुधारने का। लेकिन तू तो मेरी तरह बनना चाहता था। अब मैं आपकी तरह नहीं बनना चाहता। शक्ति, अपनी हद में रह। आज तक यही करता आया हूं, लेकिन आज तो देखा उसने मुझे हिला के रख दिया। हर तरफ मासूम बच्चों की लाशें, लहू लुहान, रोते पिलखते लोग। अब बस। खामोश। अब तक शिवा तेरे साथ खड़ा रहा, क्या तू शिवा से दुश्मनी बोल लेगा? अपने बाप से? की उम्र में गुस्से में तू लोगों पर पत्थर चलाता था। मैंने उन्हें मारकर तुझे बचाया था। खून खराबा बंद कर दो। मैंने अपने बाप को इस खाकी की वजह से खोया है, लेकिन अब ये खाकी आपकी जान बचाना चाहती है। मैं आपको कोई गलत काम नहीं करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रोक सके तो रोक ले, इस शहर का बाप सिर्फ शिवा है। अब आप कुछ नहीं हो, इस शहर का बाप है पुलिस। पुलिस फोर्स। सन, आज भी मेरे नाम की इतनी दहशत है कि मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। मैं नहीं डरता। मुझसे लड़ेगा? रोकूंगा। तू हार जाएगा। जीतूंगा। अगर शिवा नहीं तो शक्ति नहीं। शक्ति का सामना करने की किसी की हिम्मत नहीं। आपको लगता है हमारा सिस्टम कुछ सुधर सकता है? चिपका क्यों दिया सर? मैं डे शिफ्ट में ऑलरेडी कमा चुका हूँ सर, नाइट शिफ्ट में क्यों बुलाया? तो अंदर जाके पता कर। पत्नी का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहा? जा रहा हूँ। सब लोग आ गए। नौटंकी, भाई के रूप बदले बदले लग रहा है। आपको इतनी रात बुलाने की खास वजह है। आज हमें इस खाकी की कीमत चुकानी है।
जिसकी शुरुआत मुझसे होगी। कल सुबह होने से पहले हमें सारे गुंडों का खात्मा करना है। ऑपरेशन क्लीन। शिवा के नाम से जितने भी गुंडे बदमाश काले धंधे करते हैं उन्हें अरेस्ट कर लो। पहले दादाजी और अब बाप। पुलिस का मुजरिमों पर हंसना ठीक है, पर अगर कोई पुलिस पर हंसे ये मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं। इस खाकी वर्दी को पहनने से पहले मुझे ये एहसास नहीं था कि मैं शहर की गंदगी साफ कर सकता हूं, लेकिन इसे पहनने के बाद मुझे यकीन है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और जब तक मेरे बदन पे ये वर्दी है मैं अपने दादा की कसम खाता हूं मैं अपनी ड्यूटी के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। अगर हम एक रात अपनी ड्यूटी ठीक से निभाएं तो सालों तक आजमगढ़ में अमन चैन रहेगा और लोगों के दिल और दिमाग में पुलिस के लिए इज्जत बढ़ जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान सिखाई बातें याद है ना? तू आगे बढ़े जा, आफत से लड़े जा, आधी हो या तूफान रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान। एक पुलिस वाले का फर्ज है अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान तक न्योछावर कर देना। फर्ज के आगे और फर्ज से ज्यादा ना हमारे लिए कुछ अहमियत रखता है और ना ही रखना चाहिए। 66 की उम्र में एक स्मगलिंग केस में उन्होंने 7 मुजरिमों का एनकाउंटर किया, 5 जख्मी मासूमों को हॉस्पिटल पहुंचाया और एक पुलिस को बचाने में शहीद हो गए। बाद में खबर आई कि उन्हें धोखे से मारा गया था। जानते हो किसकी बात कर रहा हूं? माय ग्रैंडफादर, मेरे दादा। मेरी रगों में उन्हीं का खून है। मेरे दादा अपने खून के आखिरी कतरे तक जुल्म के खिलाफ लड़ने की ताकत रखते थे। तुम में से अगर किसी में वो हौसला है सिर्फ तभी इस जंग का हिस्सा बनना। सर, क्रिमिनल्स को पकड़ने का क्या फायदा, हम उन्हें मेहनत से पकड़ कर लाते हैं और नेता उन्हें छुड़ा ले जाते हैं। छुड़ाने दो, लेकिन अगली बार कायम करते हुए इसके हाथ थर थर कांपेंगे और उनके डर में ही हमारी जीत है। कानून मुजरिमों की रक्षा करता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। चलो मिलकर इस शहर की गंदगी को साफ करें। आर यू रेडी? लेबरिया, यहां पर क्राइम रेट सबसे ज्यादा है। अल्फा टीम। यस सर। तुम वहां चार्ज दो। ब्रावो टीम। यस सर। चागंज को तुम कवर करोगे। चार्ली टीम। यस सर। मुगल सराय तुम्हारे चार्ज में। डेल्टा सर। निजामबाद सर। और शांति तुम सराय मीर संभालो। यस सर। लेट्स गो। शक्ति, आओ। तुम्हारी बदौलत बहुत माल कमा रहा हूँ। मैं बुरे काम छोड़ चुका हूँ और तुम पहले गुंडे हो जिसे मैं अरेस्ट करने आया हूँ। क्या बात है। क्या कहा? अरेस्ट? हाँ करूँगा। तूने तो सिर्फ छड़ी तोड़ी है, मैं तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। ले जाओ। भाई सुनो तो सही। सर यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ कुछ भिखारी सो रहे हैं। पैसा फेंक, तमाशा देख। फेंक तो सही, उठे या नहीं? यस सर। अब उन लोगों के बीच कुछ गुंडे नजर आए या नहीं? मिल गया सर। गुड जॉब, गुड जॉब। ऊपर एक वाटर टैंक दिखाई दिया? हाँ दिखाई दिया सर। वो उसके ऊपर सो रहा होगा, जाके पकड़ लो उसे। अंधेरी रातों में ये जुर्म मिटाने निकला या नैन मटका करने? गुड, आई अप्रिशिएट। आपके दादाजी ने जो किया उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। किसके दादा? आपके दादाजी जो लड़ते हुए शहीद हो गए थे। मेरा कोई दादा वादा नहीं है। क्या वो क्या है?
अगर मैं तुम्हारा जोश नहीं बढ़ाता तो तुम इस तरह लड़ती क्या? और ये मेरे झूठे भाषण का ही नतीजा है कि जोश आ गया। तुमने हमसे झूठ बोला? दादा वाली स्टोरी छोड़ के सब सच बोला था। दादा जिंदा होता तो ये सच सुन के मर जाता। रात के वक्त तो यहाँ कोई लाश दफन करने भी नहीं आता सर। गेट खोल के अंदर तो जा, जा जा अंदर देख। सर यहाँ तो गुंडे जिंदा लाश बन के भाग रहे हैं सर। I like it। सबको रेस्ट कर ले। अंदर अंदर डालो सबको, लाइन में डालो। इन्होंने नाक में दम कर दिया है भाई। ये कुछ ज्यादा ही है। और वैन चाहिए। पुलिस वैन में कचरा क्यों डाल रहे हो? कचरे की गाड़ी बुलाओ। ओके चल चल ऊपर चल। अरे मुझ पर नहीं लॉरी पर चल। अरे आपने लॉरी क्यों मंगाई है भाई? क्या प्लेन मंगाओ? डिमांड बढ़ती जा रही है, पुलिस से होशियार करता। जाओ ऊपर जा। ए शक्ति तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अरे सुबह तक हम छूट जाएंगे। जेल में ले जाके सबके बाल कटवा दूंगा। शिवा भाई के आदमी को कौन जेल में डालेगा? यहाँ कौन है जिसमें इतनी हिम्मत हो? तुम लोगों की किस्मत में बेल नहीं जेल है। और कोई है जो चाहता है कि उसे बेल मिले? शर्माओ मत, लिमिटेड ऑफर है। बाल कटवाने से पहले इन सबको नहलाना पड़ेगा भाई। आजमगढ़ के असिस्टेंट कमिश्नर शक्ति ने कई बदमाशों को गिरफ्तार किया। हर जगह अफरा तफरी मच गई और साथ ही आज की इस कार्यवाही में एसीपी ने चोरों, डकैतों, कातिलों, जेब कतरों, मवालियों, ड्रग्स माफिया को, नकली शराब बनाने वालों को, इन सब बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहली बार इतने सारे मुजरिम एक ही रात को एक साथ पुलिस की हत्या चढ़े। एसीपी शक्ति की वजह से आजमगढ़ के लोगों ने चैन की सांस ली है और दूसरी तरफ मुजरिमों के दिलों में एक दहशत पैदा हो गई है। भैया उसने किसी को नहीं छोड़ा, सबको अरेस्ट कर लिया। खाकी वर्दी की गर्मी चढ़ गई है उसे, निकाल दो उसे डिपार्टमेंट से। मैंने ही तो उसे पुलिस वाला बनाया है। बनाना और मिटाना दोनों शिवा के हाथ में है। सस्पेंड कर दो उसे। यूनिफॉर्म उतरेगी तब मेरे कदमों पे आके गिरेगा। उसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। जाओ। गुड बाय। उसने तुम्हें सल्यूट करने लायक भी नहीं छोड़ा। शक्ति, उसके नाम से भी नफरत है ना तुम्हें? अब वो इस शहर का एसीपी है। उसने अपना एग्जाम सही तरीके से पास नहीं किया है। उसे एसीपी बनाने के पीछे हमारा ही हाथ है। चेक करवा लो, सारे सर्टिफिकेट्स फर्जी हैं। उसने तुम्हें जो जख्म दिए उसे भूलना मत, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बुलाओ शक्ति को। ये पटाखा चला रहे भाई की नौकरी गई। जो भाई सिंगम गिरी खत्म हो गई ना, हमारे मालिक पे भौकेगा। भाव 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 टाइटा फिश। पहले पापा से बात करो। माँ, मुझे नौकरी से निकाल दिया। मुझे पता चला। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था कि अचानक भूल जाना वो नौकरी। माँ, मुझे नौकरी से नहीं निकाला, मेरा प्रमोशन हो गया है, सीधा एसीपी से डीसीपी। तेरा बेटा बड़ा अफसर बन गया है माँ। मेरे से साथ बुरे दिन गए, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। शक्ति, मैंने आपका हाथ काटा, चीटिंग करके एग्जाम पास किया, वर्दी की आड़ में गुंडों का साथ दिया और बहुत से गलत काम किए,
मुझे निकाल दीजिए, मैं ऐसी काबिल हूं सर। शक्ति, तुम्हारी काबिलियत मैं जानता हूं। आज डिपार्टमेंट को तुम जैसे ऑफिसर की जरूरत है। भले तुम एग्जाम में फेल हुए पर पुलिस का फर्ज निभाने में पास हो गए। पुलिस किसी की जागीर नहीं लेकिन ताकतवर जरूर है। जो काम आज तक कोई न कर पाया वो तुमने कर दिखाया। मेरी 20 साल की सर्विस में मैंने तुम्हारे जैसा जज्बा किसी में नहीं देखा। तुम ही शिवा को लगाम लगा सकते हो। जब मैंने तुम्हारे पिता को छुआ तब तुम्हारे अंदर मैंने एक जुनून देखा जो अब मैं इस ऑफिसर में देखना चाहता हूँ। अब तुम एसीपी नहीं रहे, यू आर प्रमोटेड एस डीसीपी। उन्हें पुलिस की ताकत दिखा दो, उन्हें दिखा दो हम किसी से कम नहीं। मुझे निराश मत करना। Go ahead. डीसीपी तरक्की। अरे इतना क्यों डर रहे हो, अपना शक्ति भाई तो टीसी बन गया है। अगर वो टीसी बनता तो सिर्फ टिकट चेक करता, वो जो बना है उससे पता नहीं किस किस का क्या क्या निकलेगा। हवा निकल गई, पीली भी हो गई। अगर मैं टीसी बनता तो लोगों की टिकटें चेक करता, लेकिन अब ये डीसीपी सारे डेंजरस क्रिमिनल्स को पकड़ेगा। उसे देखकर जलन हो रही है। डिप्टी कमिश्नर मिस्टर शक्ति ने शहर से अपराधियों को कम करके एक बड़ा काम किया है। उनके दादा ने भी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए शहादत दी थी। मिसेस शक्ति एक बहुत ही बहादुर परिवार से बिलोंग करते हैं। भाई के दादाजी तो बहुत फेमस हो गए, जिनकी वीरता की बात सुन के तुमने खून बहाया। वीरता का इनाम मिला है तुम्हें। हमारा इस साल का द बेस्ट कैडर अवार्ड गोज टू मिस ऐश्वर्या। सर दो शब्द आप भी कहिए ना। मेरी जबान कम और हाथ ज्यादा चलते हैं। बहाना बनाना कोई इससे सीखे। एटलीस्ट स्टूडेंट्स को कुछ सेफ्टी टेक्निक सिखा दीजिए। कोई एक वॉलंटियर आ गया हो। गर्ल गो बैक। तुम आ जाओ। सर फर्ज करो कि तुम्हारे पास एक बैग है। बैग और बैग ही इसे अच्छी लगती है। इधर आ। हाँ तू इधर आ। जहाँ लोचा होता है तुझे मेरी याद आती है। मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। मेरा हाथ टाइट पकड़ लो। कसके पकड़ा है। देखो मेरा हाथ कैसे पकड़ा है। तुम्हें ऐसे करना है। राइट हैंड एंड द राइट लेग एट द सेम टाइम। और इस तरह अटैक। सिंपल। आ जाओ यस सर। मेरा हाथ पकड़ लो, कसके पकड़ो। हाँ इस तरह। ये सिखा रहा है कि चांस मार रहा है। और कोई वॉलंटियर? सर सर मुझे कोई खतरा हुआ तो? सुनिए बहन जी, तुम्हें कभी कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी वजह से जरूर होगा। दिन ही खराब है। ओके, सोचो कोई मुजरिम तुम पर चाकू से अटैक करता है। ओए माँ। मैं तुमको करके दिखाता हूँ। तुम मुझ पर अटैक करो जैसे चाकू हाथ में। इस तरह ब्लॉक करो और धक्का देके नाक तोड़ दो। वो दोबारा तुम पे हमला करे उससे पहले फिर से उसकी नाक तोड़ दो। देखा, नाक का पकौड़ा बना दिया। बाप कमाल है। अपने आप को बचाने का एक और आसान तरीका है। मुझे एक लकड़ी चाहिए होगी। कहाँ है लकड़ी? हाँ, इस तरह की एक लकड़ी पकड़ो और ऐसे सर पे मारो। ये भाई शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। ये क्या कर रहा है? ये सेल्फ डिफेंस के लिए है। मारो मारो। बढ़िया अटैक, तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड कमाल की है। यार तू पीछे से हमला करता था, अब तू आगे से हमला करवा रहा है। अब मैं आप लोगों को एक आखिरी चीज सिखाऊंगा। इसके लिए मुझे ट्रेंड लोगों की मदद चाहिए और इसके लिए मुझे एक मजबूत लेडी की भी जरूरत पड़ेगी। मैडम प्लीज यहाँ आइए। पहले बैठो फिर लेट जाओ। भाई का रोमांस करने का नया आसन है। हुँ?
पोजीशन में अंदर जाकर क्रॉल करके बाहर निकलना है। इट्स आर्मी ट्रेनिंग। अगर ये रोज किया तो सर्दी हो जाएगी, आप मर जाएंगे। आपके हाथ और पैर बहुत मजबूत हो जाएंगे। हाँ तो मैडम अब ये करके दिखाने वाली हैं आपको। तालियां। क्लैप क्लैप, टाइम खत्म हुआ। अब आप लोग जाइए, मैडम जाएंगी नहाने के लिए। भाई शक्ति हमारे लिए मुसीबत बनने लगा है, हम उसे अपना समझ कर छोड़ते रहे, लेकिन भाई वो ऐसी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। भैया उसने रेत का कारोबार ठप कर दिया। ग्रेनाइट की जमीन को जब्त कर लिया। उसकी वजह से हमें कमीशन मिलना बंद हो गया है। दिन ब दिन हमारी मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है, और तो और वो एक एक करके हमारी फैक्ट्रियां सील करवाता जा रहा है। भाई हम सिर्फ आपकी वजह से खामोश हैं। मालिक पहले शादी हो जाए फिर उससे निपटते हैं। शक्ति बेटा सब ठीक ठाक तो है? हाँ सब ठीक ठाक। आप कहाँ से आ रहे हैं? तुम्हारे ही घर से आ रहा हूँ। बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ है। तुम लोगों के शान की बात ही कुछ और है, सारा शहर देखता रह जाएगा। मेरा घर क्यों सजाया? तुम्हारी बहन की शादी जो है। माँ ने एक बार भी बताया नहीं। बेटा आज मुझे खाना बनाने वाले महाराज संतोष मिले थे। घर में कोई फंक्शन है क्या माँ? तुम्हारी बहुत याद आ रही, कुछ तो बोलो माँ। फोन रख दो, कुछ तो बोलो माँ। वो उसकी भी बहन है और उसे अपनी बहन की शादी की खबर बाहर वालों से मिल रही है, उसे कितनी ठेस पहुंची होगी, बेचारा रो रहा था। अब समझी दर्द क्या है? मुझे लोगों को जान से मारना आता है और उन्हें तड़पाना भी आता है। अभी भी वक्त है, मैं उसे न्योता दूंगा, शादी में बुलाऊंगा, पर पुलिस के नाते नहीं, अपने बेटे के नाते। उसे सब कुछ छोड़कर पुराना शक्ति बनना होगा। बनेगा? हाँ सिर्फ तभी वो आ सकता है। सुनिए, कहा ना, ये शिवा का फैसला है जो कभी नहीं बदलेगा। शादी है तुम्हारी बहन की, तुम्हें वहां होना चाहिए। कैसे जाएगा, इसे वहां बुलाया ही नहीं। प्रिया जरूर बुलाएगी। गलत फहमी में मत रहे, मुझे नहीं लगता वो तुझे बुलाने वाली है। मेरी बहन मुझे जरूर बुलाएगी।
प्रिया माँ, मैं तेरे पापा से कुछ नहीं कह पाऊंगी। तेरा भाई नहीं आया, वो तुझे कितना चाहता है बेटा। तू एक बार फोन कर लेगी तो भागता हुआ आ जाएगा। माँ, मेरे लिए पापा जरूरी हैं। मेरी बेटी के लिए मैं सबसे ज्यादा जरूरी हूँ। तुम्हारे लिए कौन जरूरी है इसका फैसला तुम करो। कैसे हैं आप? नमस्ते। तुझे तो आइए ना, आइए ना। तुझे बाहर जाकर फूल मालाएं लाने को कहा। मैं अंदर था, क्यों खड़ा? अभी लाता हूं। नमस्ते। तू दूसरे गांव से आया ना? अंदर घर वालों के लिए खाना है, बाहर वालों के लिए नहीं। चल जा। मुंह मार। हे भगवान, शक्ति भाई, आज मुझे ये दिन भी देखना था। ये तेरी जगह नहीं है, उठ यहाँ से, उठ यहाँ से। घर का बड़ा बेटा यहाँ खाना खा रहा है, अंदर चलो ना भाई। खाना खाया आप लोगों ने? मालकिन, मालकिन वहाँ देखो, सारा परिवार एक साथ है, लेकिन घर का बड़ा बेटा अनाथों की तरह गरीबों के साथ बैठकर खाना खा रहा है। उसने आने से मना कर दिया, मुझसे ये देखा नहीं जाता। आप ही समझाइए ना। न्योता मेहमानों को दिया जाता है माँ। मैं तो प्रिया का भाई हूं। बहन की शादी में आने से खुद को रोक नहीं पाया। रो मत। इसका भाई आ गया है, उसका इस शहर में बड़ा नाम है। वो शादी में नहीं आ पाया, लेकिन उनकी हामी के बाद ही हमने ये शादी तय की थी। आओ अंदर आओ। बेटा देखो दुल्हन आई है, आशीर्वाद दो इन्हें। आओ बड़े भाई के पैर छुओ। ये क्या, बहू को लात क्यों मारी? नई दुल्हन का इस तरह स्वागत करते हैं भला? आज मौका मिला है मुझे तेरे बाप से बदला लेने का। अंदर जो कहा था कर। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पैर छू। बीवी बच्चे सब देख रहे हैं। अगली बार शिवा से उलझा तो जान से जाएगा, तेरा परिवार भी नहीं बचेगा, सबकी चिताएं एक साथ जलेंगी। कब से मुझे इस दिन का इंतजार था। तुझे घर की बहू इसलिए नहीं बनाया कि तू आके मेरे पैर छुए। तेरा बाप मेरी जूती पे नाक रगड़ेगा। चल बाप को फोन कर। मुझे नहीं करना। नहीं करेगी? फोन कर। भैया वो आ गया। बुड्ढे को घसीटते हुए अंदर ला। लेकिन कोई बुड्ढा नहीं आया भैया। किसे फोन किया रे तूने? किसे बुलाया बोल? तुझे इंतजार था मेरे बाप का, तेरा बाप आया। खत्म कर दो उसे। और कौन?
मेरा भाई, ये मेरे आंसू नहीं देख सकता, तुझे सबक सिखाने आया है। मुझसे गलती हो गई, भैया मुझे माफ कर दो। तेरे बाप से बाद में निपटूंगा, पहले तेरी कब्र खोदता हूं। कोई पिटता है तो हॉस्पिटल जाता है, और शक्ति की बहन को मारने वाला जहन्नम जाता है। शुक्र मना कि मैं पुलिस ऑफिसर की हैसियत से नहीं आया। आइंदा मेरी बहन की आंखों में आंसू का एक भी कतरा दिखाई दिया, तुझे उसकी कीमत अपनी जान से कर चुकानी पड़ेगी। कितनी बार कहा था कि अपने ये बुरे काम छोड़ दो, लेकिन नहीं, अब उसे कीमत चुकानी पड़ रही है। मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये मेरी बेटी है, मैं इसका बाप हूं, यह हमारे घर का मामला है। कौन है तू? कौन है तू? पापा? हम्म? पापा, लेकिन भैया, गलती हो गई मुझसे, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। छीनकर वहाँ फैक्ट्री लगाना क्या गलत बात नहीं है? बिना किसी परमिशन के आप ये काम कैसे शुरू करवा सकते हैं? लोगों की सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे? वैज्ञानिकों का कहना है कि इस फैक्ट्री के शुरू होने से गरीबों को बहुत नुकसान पहुँचेगा। नुकसान पहुँचेगा? अभी हालात कौन से अच्छे हैं, फिर भी हम जी रहे हैं, पंछी मर रहे हैं सेल फोन के इस्तेमाल से, सिलेंडर डेंजरस है तो क्या खाना बनाना छोड़ दें? जब 4,000 लोगों को नौकरी मिल रही है और मरीजों को सस्ती दवा मिलने वाली है तो कंपनी शुरू करने में क्या हर्ज है? सारी परमिशंस और इस बात का ख्याल रखते हुए कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, सिर्फ तभी कंपनी शुरू की जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। अब मैं इजाजत चाहूंगा, ठीक है? 1500 परिवारों को फैक्ट्री वाली जमीन से खाली किया जाएगा और इस काम के हमें 500 करोड़ मिलेंगे। भाई जी, आप जगह तो खाली करवा देंगे ना? आप बोले तो काम हो जाएगा, मगर शक्ति जिस जमीन पर मेरी परछाई पड़ जाए तो समझो वो जमीन शिवा की हो गई। जगह खाली कराओ।
अपनी मूर्ति का सर काटा जूते की माला पहना। शक्ति तू कहाँ है? रघुपुर में दंगे होने की खबर है। वो दंगे तेरे पिताजी ने करवाए हैं ताकि तू वहां चला जाए और तेरे पिताजी गरीबों की बस्ती पर बुलडोजर चलवा दे। यहां जल्दी आकर उन्हें रोक। मैं उनका मुकाबला कैसे करूं? ए, ये तो क्या बोल रहा है? भूल जा। भूल जाऊं? हाँ। आपके नाम हो चुके हैं और अकाउंट में 500 करोड़ भी जमा हो चुके हैं। क्या हुआ? शक्ति, तूने कहा था तू एक भी जुर्म नहीं होने देगा। तेरे पिताजी ने यहाँ पर सारी बस्ती उजाड़ के रख दी है यार। अगर जुर्म किया है तो सजा भी मिलेगी। चाहते थे और हम आपको गलत समझ बैठे। हमें हमारा घर बनाने के लिए आपने सिर्फ जमीन ही नहीं दी बल्कि 500 करोड़ रुपए भी दिए। भगवान आपका भला करे। आपने इन गरीबों के लिए 500 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं? अगर आप चुनाव में खड़े होंगे तो हमारा वोट आप ही को मिलेगा। आपने जो किया कोई नेता नहीं करता। आप ही हमारे भगवान हैं। आप जुग जुग जियो मालिक। बस बस बहुत हुआ, गेट बंद करो, दरवाजा बंद करो। ए सुन, ये क्या हो रहा है बाहर? 150 एकड़ जमीन और 500 करोड़ रुपए, आपने ही तो डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया था। मैंने कब साइन किया? वैसे ये काम था थोड़ा मुश्किल, लेकिन आपकी आदतों की वजह से थोड़ा आसान सा हो गया। वैसे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, पर मैं आपका सिग्नेचर हूबहू करता हूं। मेरे भोले पापा, आपने अपना बैंक पासवर्ड अभी तक शक्ति ही रखा हुआ है। Yeah.
आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अपना बैंक पासवर्ड तो बदल दिया होता तो ये 500 करोड़ रुपए बच जाते। बाहर लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं कि आप कितने दयावान हैं, कितने नेक हैं। उनकी लाखों दुआएं भी आपको बचा नहीं सकती। सुधर जाइए, और कोई रास्ता नहीं। मेरे शक्ति ने अपने पापा को सुधार दिया। मुझे सुधारने वाला होता कौन है? ये शिवा कभी नहीं बदलेगा। मैं जैसा था वैसा ही रहूंगा। हट! आपने तो कहा था पूरा आजमगढ़ आपका है, आपके खिलाफ तो कोई खड़ा नहीं रह सकता। फिर अब क्या हुआ? जुबान पे ताला क्यों लग गया? Why the hell did you accept the deal? बात पैसों की नहीं है, बात विश्वास की है, जिसको आप निभा नहीं पाए। शक्ति को जब तक आप अपना बेटा मानेंगे आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप उसे माफ करते हैं और वो इसी का फायदा उठा रहे, भूल जाए कि वो आपका बेटा। सारे रिश्ते खत्म हो गए। आप सुबह से यहाँ इंतजार कर रही हैं? किससे मिलना है? शक्ति सर से। हाय अंकल। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बच्ची तो? हाँ वो यही है। मुझे बताया गया था कि किसी शक्ति ने इसे बचाया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो शक्ति यही है। डॉक्टर ने उम्मीद खो दी थी, लेकिन शक्ति सर के विश्वास की वजह से मेरी बेटी आज जिंदा है। आज ही इसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया है। हॉस्पिटल से निकलते ही आपसे मिलने की जिद करने लगी। आपका शुक्रिया सर। ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हारा सपना कैसा लगा तुम्हें? लो इसे अपने पास रखो। थैंक्स अंकल। बाय बाय। गलत थी। क्या मतलब? खुद को एक बार आईने में देखो। कोई तुमसे नफरत नहीं करता, सब तुम्हें पसंद करते हैं। और तुम? मैं भी पसंद करती हूँ।
किसके इशारे पे? बोल। तुम्हारे पिता के इशारे पे किया। झूठ मत बोल, सच बोल, बोल। सच कह रहा हूँ, तुम्हारे पिता ने ही कहा था, वो नहीं चाहते थे कि तुम्हें पता चले। मैंने शक्ति को खत्म कर दिया है, मुझे और पैसे चाहिए। 10 लाख और देने पड़ेंगे, नहीं तो मैं सबको सच बता दूंगा। मैं बंद पड़ी पुरानी मिल में मिलूंगा। सेम मैसेज मैंने सबको भेज दिया है। किसी न किसी का तो रिप्लाई आएगा। वेट एंड वॉच। की मौत मर गया, मुंह खुलता तो हम लटक जाते। बॉस काम हो गया। उसे ऊपर पहुंचा दिया ना? हाँ, यमराज के पास। उसकी लाश भी दफन कर दी। तो तू है वो? पता चल गया तुझे? पुलिस। जब पता चल ही गया है तो वजह नहीं जानना चाहेगा। इस कहानी में अगर तू हीरो है तो मैं भी हीरो हूं, अगर तू विलन है तो मैं भी विलन हूं। अभी शुरू नहीं हुई है कहानी। तुझे याद है सालों पहले मेरे पिता की मौत वहीं हुई थी जहां तेरा बाप मारा गया था। जिस पुलिस वाले को शिवा ने मारा, मैं उसका बेटा हूं। शिवा उनका कत्ल करके चला गया पापा, और मैं बैठकर घंटों आंसू बहाता रहा। भीड़ में भी मैं एकदम अकेला हो गया था और पूरा आजमगढ़ मेरा दुश्मन बन गया था। तभी मैंने फैसला कर लिया था कि शिवा से बदला जरूर होगा। मैं उसे किसी और के हाथों कैसे मरने देता? उसने मुझे यह सोचकर अपना लिया कि मैंने उसकी जान बचाई। मैंने शिवा से एक चीज सीखी कि सबसे पहले अपने शिकार को डराकर अपनी मुट्ठी में कर लो, उसके बाद उसे खत्म करो। मैंने उससे जो सीखा वो उसी पर आजमाया। मुझे ताकतवर बनना था और पावर चाहिए थी। 20 सालों तक मैं उसका भरोसा जीतता रहा। उसके जरिए मैं एक मिनिस्टर बना। उसे लगता है कि मैं जो भी हूं उसकी बदौलत हूं। नहीं, अपने दम पर बना हूं मैं। पावर मिलने पर मैंने अपना खेल शुरू किया, एक प्लान बनाया तेरे बाप को खत्म करने का। उसे बेइज्जत करने के लिए मैंने मुन्ना नाम के एक मामूली गुंडे का इस्तेमाल किया।
शिवा को मारने के लिए गुंडे भी मैंने ही भेजे थे। मैंने शहर में एक ईमानदार पुलिस कमिश्नर लाया ताकि शिवा को जलील किया जा सके और वो शिवा को उसकी औकात बता सके। लेकिन शिवा ने तुझे एक पुलिस वाला बना दिया। गैस सिलेंडर ब्लास्ट के पीछे मेरा ही हाथ था। लगा था पूरा आजमगढ़ तबाह हो जाएगा। लेकिन खेल का असली मजा तो तब आया जब उसे बर्बाद करने के लिए तू उसके खिलाफ खड़ा हुआ। मैंने उसे लालच देकर केमिकल कंपनी के मामले में घसीटा, लेकिन मेरे हर चाल को तूने नाकामयाब कर दिया। एक वफादार कुत्ते की तरह इसलिए तुझे मैंने हटाने का फैसला किया। ए, किस्मत वाला है, मौत तुझ तक नहीं पहुंची। कोई बात नहीं, वो शिवा नहीं बचेगा। पिछले 20 सालों से दबा हुआ आक्रोश अब ज्वालामुखी बनकर फूटेगा। बॉडी तगड़ी है तेरी, लेकिन भेजा एकदम खाली। अब सुन, तू उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पापा की जान यहां। तब तो तू भी मरेगा, मैं तुझे नहीं मारने वाला। अपने बाप के हाथों मरेगा तू। बाप कहता है ना शिवा को, वही बाप मारेगा तुझे। शिवा ने तेरी तरह मुझे भी बड़ा किया। एक तू है जो उसे बचाना चाहता है, पर मैं उसे मारना चाहता हूं। अब देखते हैं शिवा किस पर भरोसा करता है, तुझ पर या मुझ पर। एक दिन देख लेना, उसी के हाथों तेरी मौत होगी, वो भी मेरे कहने पर। मेरे पापा, मुझे, जब मैं अनजान था तब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये सब जानने के बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा। मुझसे पंगा ले रहा है, शक्ति से पंगा ले रहा है। जंग को जीतने के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन मैं वो हूं जो बिना लड़े ही जीत जाता। किसी और से पंगा लिया होता तो ठीक था, लेकिन शक्ति से पंगा लेके तूने गलत किया। मैं मारता कम हूं और घसीटता ज्यादा हूं, उल्टा टांग कर मारूंगा। बुलावा आ गया। मालिक, शक्ति को अब और माफ नहीं करना चाहिए। हुक्म दीजिए, उसे अब भी काट कर फेंक दो। तू क्या कर लेगा, अभी तो तू छोटा है। आजमगढ़ पर आज शिवा का कहर बरपेगा। What's going on, शक्ति? पुलिस पे हमला हो रहा है, या तो तुम कोई एक्शन लो या मैं लेता हूं। मैं ही इसे खत्म करूंगा। मालिक, अभी खबर मिली है कि शक्ति अपने भाई को अरेस्ट करने के लिए आ रहा है, आप कुछ कीजिए। सुन, घर चल। मां जल्दी करो ना, पेट पे चूहे दौड़ रहे हैं। ला रही हूं बेटा। चल। कहां चल रहे हैं? आओ शक्ति, मेरे साथ चल। अरे, पुलिस वाला बनकर मुझे तू अरेस्ट करने आया है? नहीं शक्ति। हाँ, मैं तुझे अरेस्ट करने आया हूँ। रुक जा शक्ति, ये तेरा भाई है, तू इसे गिरफ्तार करेगा बेटा। माँ। नहीं बेटा। शक्ति। रुक। अभी भी मेरे दिल में तेरे लिए थोड़ा सा प्यार और लगाव बचा हुआ है, इसीलिए तू जिंदा है। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सब खत्म। ये आखिरी मौका दे रहा हूं।
हरी मिशन। hey! मैं सब जानता हूँ, मुझे सिखा मत। तू ऐसा क्यों कर रहा है शक्ति? अपने छोटे भाई को इस तरह से अरेस्ट करने का आखिर क्या मतलब है? अंदर रहेगा तो जिंदा रहेगा। कहना क्या चाहते हो? तुझे कहा था उसे अरेस्ट करने के लिए, उसने कर लिया। ये कैसे मुमकिन है? वारंट तो मेरे पास है। भाड़ में गया वारंट, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर। गड़बड़ हो गई। अगर मैं उसे अगवा करके मारूं तो शक मुझ पर होगा, लेकिन वो अरेस्ट करे और मैं मारूं, इसीलिए मैं उसे यहां लाया हूं। तूने उसे समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता तो मैं क्या करूं? मैंने हमेशा अपने छोटे भाई का भला ही चाहा है। उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, उसके लिए कुछ खाने को ले आओ, मैं आता हूं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा भाई यहां है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मेरा बेटा घर आ जाना चाहिए। मैं कुछ करता हूं। ए शक्ति, तू अपने भाई को छिपा लेगा तो मैं क्या चुपचाप बैठा रहूंगा? अब तक मैंने जो किया वो तुझे बताया, लेकिन आगे जो होगा वो तुझे पता भी नहीं चलेगा। अब मैं कुछ करने जा रहा हूं, दम है तो पता लगा ले। बेस्ट ऑफ लक। सिर्फ उस लड़के को ढूंढना हमारा काम नहीं है, शिवा को शक्ति का दुश्मन बनाना है। कमान, कमान, सब लोग पहले बाहर निकलो। ये सब क्या? ये क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ विनोद? किसने किया? शक्ति मुझे मारता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन शिवम कंस्ट्रक्शन को तबाह करके उसने आपके गाल पर तमाचा मारा, ये ठीक नहीं हुआ भाई। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो लोग पहले शिवा शिवा का नाम जपते थे, आज वो शक्ति शक्ति की माला जप रहे हैं। लोगों के दिलों में बाप का खौफ नहीं रहा भाई। जाओ, खत्म कर दो उसे। क्या शक्ति शो खत्म होने के बाद थिएटर में आ रहे हो? ओ, तुम तो पुलिस हो ना? हाँ, सॉरी 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 सॉरी। तेरे बाप को लगता है कि ये तूने किया है? तुझे मारने के लिए आदमी भेजे वो? मैंने कहा था ना, अब बस देखता जा कौन जीता कौन हारा। विजय, उसका भाई कहीं नहीं मिला, मैंने सब जगह ढूंढ लिया। हेलो शक्ति, विजय मुझे मार के भाग गया। तू भी ना, कैसे हुआ ये सब? मैंने उसे रोकने की कोशिश की, उसने एक भी नहीं सुनी। मेरा फोन उसके पास है, उससे बात कर लो। भैया, शक्ति मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, प्लीज मुझे बचा लो। बहुत अच्छा किया। तुम कहाँ हो? हनुमान मंदिर के पास। वहीं रुकना, मैं पहुंचता हूँ। ओके भैया। शक्ति, तेरा भाई तो हीरो से छूट के विलन के पास आ रहा है यार। वो चाहता है कि मैं उसे बचाऊं, वो मेरे पास नहीं आ रहा है, मौत के पास आ रहा है। चल अब देखते हैं तू उसे बचा पाता है या नहीं। नहीं नहीं, नहीं।
फोन उठा, फोन उठा। नहीं समझा मुझसे इतनी नफरत क्यों? मैं नहीं करता। तुम्हें सबकी परवाह है लेकिन मुझे तुम्हारी परवाह है भाई। जब मैं छोटा था तो तुम्हारा हाथ पकड़कर चलता था, साथ क्यों छोड़ा भाई? हमारे बीच दरार कैसे? हमारा रिश्ता इतना कमजोर था। मुझे बचा लो भाई, मैं मरना नहीं चाहता। पहले पापा के पास ले चलो, उन्हें सच बताना है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो तुम्हें गलत समझ बैठेंगे। समझते हैं तो समझते, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हें बचाना है। मेरे पास वक्त बहुत कम है। हेलो पापा। विजय कहाँ है तुम? शक्ति। क्या किया उसने? पापा शक्ति पापा। विजय विजय आपके बेटे को मार दिया। विजय, विजय मेरा बच्चा। शक्ति अब बोल, मेरा चलवा कैसा लगा तुझे? तेरा बाप ही तुझे मारेगा, तुझे याद तो है ना?
इसने ही आपके बेटे को मारा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अपने भाई को मारने वाला गद्दार है ये। देख क्या रहे हो मालिक, मार दो इसे। शक्ति, मार डाल इसे। कि मेरे बेटे ने शक्ति को मारा तो मैं यकीन भी कर लेता, लेकिन तूने कहा मुझसे कि इसने मेरे बेटे को तेरी आंखों के सामने मारा, मुझे तभी तुझ पे शक हो गया। मेरा बेटा तो पैदा होते ही मर जाता अगर इसने उसे न बचाया होता। झूठ कितना भी चिल्लाकर कहो वो सच नहीं हो सकता। ये मेरा सच्चा बेटा है। तू सोच रहा होगा कि मैंने अभी इसे क्यों मारा। इस शिवा ने अपनी जिद और शक्ति से न हारने के अपने अहंकार के चलते अपना एक बेटा खो दिया। तू तो कहानी में ट्विस्ट लेकर आ गया। मुझे लगा था तुम लोग आपस में लड़ोगे, तुम में से एक मर जाएगा, जो बचेगा उसे मैं मार दूंगा। अब तुम दोनों को खत्म करना पड़ेगा मुझे। शक्ति, कुचल दे इसे। मैं तो तुझे उसी दिन मार देता जिस दिन तूने मुझे सब बताया, लेकिन मुझे इनके हुक्म का इंतजार था। इंतजार तो मुझे भी था।
अब तक मैं जुर्म करने के लिए लोगों को मारता था, पर आज जुर्म खत्म करने के लिए मारूंगा, शक्ति के लिए। क्या हुआ? मैं भाई जी को अरेस्ट करने आया हूं। क्या? निकलो यहां से। शक्ति, मैंने ही इन्हें बुलाया है। क्यों पापा? मुझे अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना है बेटा, और उसके बाद ही मैं नई जिंदगी शुरू करूंगा। नहीं, आप नहीं, मेरा बेटा मुझे अरेस्ट करेगा। पापा, इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन बेटे से मिली हार भी जीत होती है। जाओ जाओ, यूनिफॉर्म पहन कर आओ। जाओ। मैं तुझे गलत रास्ते पे ले गया, पर तू मुझे सही रास्ते पे ले चल।